हमारे देश के प्रोफेशनल्स, उनकी आज पूरी दुनिया में गूंज है, उनके सामर्थ्य की चर्चा है, लोग उनका लोहा मानता है। स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हमने नए मुकाम प्राप्त किए हैं। हमारे लिए खुशी बात है कि हमारा चंद्रयान तेजी से चांद के उस छोर की ओर आगे बढ़ रहा है जहां अब तक कोई नहीं गया है। हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि है। उसी प्रकार से खेल के मैदानों में हम बहुत कम नजर आते थे, आज दुनिया के खेल के मैदानों में मेरे देश के 18, 20 साल, 22 साल के बेटे बेटियां हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहरा रही है। कितना गर्व होता है। देश के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे देशवासियों, हमने हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमें हमारे देश में बदलाव लाना है, हमने हमारे देश में नई ऊंचाइयों को पार करना है और मिलजुल करके करना है। सरकार और जनता ने मिलकर के करना है, 130 करोड़ देशवासियों ने करना है। देश का प्रधानमंत्री भी आप ही की तरह इस देश का एक बालक है, इस देश का एक नागरिक है। हम सब ने मिलकर के करना चाहे। आने वाले दिनों में गांव में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर करने होंगे, हेल्थ सेंटर बनाने होंगे, हर 3 लोकसभा के बीच एक मेडिकल कॉलेज, हमारे नौजवानों को डॉक्टर बनने के सपने पूरा कराना है, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए घर बनाने हैं, हमने 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है, 1.25 लाख किलोमीटर गांवों की सड़कें बनानी है, हर गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है, 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप का जाल बिछाना है, अनेक सपनों को लेकर के आगे बढ़ना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें देशवासियों ने मिलकर के सपनों को लेकर के देश को आगे बढ़ने के लिए चलना है, और आजादी के 75 साल इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।